नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटों की संख्या बढ़ गई है, वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और ये वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है और इस वैकेंसी की बढ़ने की वजह से सेफ गुणांक पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो 68,500 के 22,000 पदों को ऐड करने की लगातार मांग की जा रही है, तो अब उसके भी ऐड होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर ये पद जो भी हैं थोड़े बहुत अगर बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और मैं ऑलरेडी आप सभी को कई बार बता चुका हूँ कि उसमें NOC की वजह से 68,500 में या फिर अंक में जो भरने की त्रुटि की वजह से या फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं, मेरिट जिससे भी प्रभावित होगी, ऐसे किसी भी जो डेटा है उसमें संशोधन का मौका न मिलने की वजह से, और जो अपियर्ड वाले हैं, बैक वाले हैं, टेट पास नहीं थे, या फिर जो 2015 बैच की मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, इन सभी लोगों के बाहर होने की वजह से कम इसमें कुछ ना कुछ लोग हर जगह से बाहर होंगे, तो कम से कम 40,000 के आसपास, 35 से 40,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो अभी जिला आवेदन तो करेंगे, सॉरी ऑनलाइन आवेदन तो करेंगे, लेकिन जब इन्हें जिला आवंटित काउंसलिंग के टाइम पे ये फंसेंगे, फिर वहाँ पे फिर इनको रिजेक्ट किया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले दिखा दूँ मैं आप सभी को कि SC के ST के 1110 पद खाली, SC को मिलेगा मौका। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1110 पद खाली रह जाएंगे। इस स्थिति में आरक्षण नियमों के अंतर्गत ST के इन रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था आप सभी को कि अगर जो ST कोटे की जो सीट होती है उस पर SC के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती है, अगर आप लोग सरकार से मांग करते हैं, तो ये प्रक्रिया हुई है पहले भी और आगे भी अभी बिल्कुल भी ये हो सकता है। UP में किसी भी भर्ती में OBC को 27%, SC को 21% और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 2% आरक्षण का प्रावधान है। इस लिहाज से 69,000 शिक्षक भर्ती में ST के लिए 1380 पद होते हैं, लेकिन 12 मई को घोषित रिजल्ट में ST के महज 270 अभ्यर्थी ही सफल हो सके हैं। इस वजह से ये जो 1110 पद हैं खाली बच जाएंगे और इसका सीधा फायदा अनुसूचित जाति के वर्ग को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होना है, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे SC वाले जनरल की सीट पर फाइट करेंगे, लेकिन अगर जनरल की कट ऑफ गुणांक ज़्यादा चला जाता है और SC में कम ही होंगे, 1,000 या 2,000 होंगे अधिकतम जो मेरिटोरियस होंगे, लेकिन इन्हें भी UR की सीट मिलना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी उन्हें कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो ऐसे में होगा क्या कि फिर इन्हें अपने कैटेगरी की या फिर जो ST की बची हुई सीट है इस पर इन्हें फाइट कराया जाएगा, क्योंकि वरीयता इस बार देनी है गृह जनपद को, क्योंकि आप सभी जानते हैं हलफनामा भी लेकर के देना है कि आपको अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से हर कैंडिडेट्स को ये कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, कि सभी को उनका गृह जनपद मिले, तो फिर उन्हें अपने कैटेगरी में जब फाइट कराया जाएगा तो फिर वे दूसरे जिले की UR सीट पर फाइट न करके उन्हें उनकी कैटेगरी, उनके जो मनपसंद जिला होगा उसमें देने की कोशिश की जाएगी। इससे दोस्तों जो मेरा आंकड़ा कहता है, कम से कम 400 से 500 UR की सीट इससे बच जाएगी, 100% बच जाएगी, पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 400 से 500 जो अनारक्षित वर्ग की सीट बच जाएगी उस पर हो सकता है 100-150 OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा मिल जाए, बाकी जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सभी के लिए फ़ायदा होना है इसमें, SC वर्ग के लिए भी, OBC के लिए भी और UR कैटेगरी के लिए, सभी के लिए फ़ायदा होना है। तो निश्चित रूप से जो आपका सेफ गुणांक है थोड़ा सा डाउन हो सकता है, कुछ पॉइंट ही सही लेकिन डाउन होगा निश्चित रूप से। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। आगे देख लीजिए, दरअसल 21% आरक्षण के लिहाज से SC वर्ग के कुल 14,490 पदों पर भर्ती हो रही है। परीक्षा में SSC के कुल 24,308 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। काफ़ी संख्या में SC के छात्रों ने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं, इसलिए उनका चयन सामान्य वर्ग में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर UR की सीट ज़्यादा जाती है तो फिर उन्हें अपने कैटेगरी में फाइट कराएंगे वो लोग। पिछली बार ये गलती हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दूर के जनपद आवंटित हो गए थे, लेकिन इस बार फिर उन्हें उनके मनपसंद जिले में, अगर UR की सीट पे जो मेरिटोरियस MRC कैंडिडेट्स होंगे, अगर वो कटाप में नहीं आते तो फिर उन्हें अपने कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी में फाइट कराया जाएगा। और पूरी संभावना होगी कि इन्हें अपने, क्योंकि जब सीट बढ़ेगी तो कटाप थोड़ा सा डाउन होगा, फिर उन्हें अपने कैटेगरी में जो सीटें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सकती है, फिर ये लोग अदर दूसरे जिलों में जो उनके वरीयता क्रम में जिले होंगे वहाँ पर UR की सीट में न दे करके उन्हें अपने कैटेगरी की सीटें मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, कुछ सीटें जो है इन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, कुछ UR की सीटें भी बचेंगी, जहाँ पर OBC और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल जाएगा। तो SC से SC में परिवर्तित होने पर कुल जो पदों की संख्या लगभग 15,600 पद हो सकते हैं SC कैटेगरी में।
अब देख लीजिए दोस्तों, आपका जो सर्वर है कल भी काफ़ी देर तक बहुत अच्छा चला था, फिर कुछ प्रॉब्लम आई थी बाद में, और आज अभी भी आपका सर्वर बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है बीच बीच में। 6 दिन का और समय बचा है आपका आज का लेकर के टोटल ऑनलाइन आवेदन करने में। ऑनलाइन आवेदन में आपको जिला वरीयता क्रम में काफ़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आगे कोई भी संशोधन या फिर आगे कोई भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मौका न मिलने की वजह से, एक बार जहां आपको मिल गया नियुक्ति फिर आपको वही मिलना है। लेकिन दोस्तों, आप लोग सेफ गुणांक को देखते हुए, ऐसा ना हो कि गृह जनपद के चक्कर में आप कट ऑफ से बाहर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे। आप प्रयास ये करिएगा कि पहले आप सेफ हों, आपका चयन होना चाहिए, और नियुक्ति ये बड़ी बात है। फिर आप आगे भी, जैसे आपने देखा होगा 800-500 वाले बहुत सारे लोग विदाउट NOC अगर यहाँ पे काउंसलिंग कराते, तो उन्हें काउंसलिंग के टाइम पे यहाँ 69,000 वाले में समस्या हो सकती है। तो गृह जनपद का काफ़ी महत्व तो बढ़ गया है इस बार, सभी लोग गृह जनपद को लेकर के परेशान है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, 75 जिलों में आपको ऑप्शन भरने हैं, ये भी अच्छी बात है। इससे क्या होगा, अगर आपका गृह जनपद नहीं भी मिलता है, लेकिन जब दो अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके गुणांक समान आएंगे और फिर जिनके वरीयता क्रम में उजिला ऊपर होगा, तो उन्हें पहले उजिला उस कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्रयास यही करेंगे, गृह जनपद को आप लोग जरूर वरीयता क्रम में ऊपर की हो स्थान दीजिए, साथ में आप जो अच्छे सीटों वाले जो जिले हैं उनको भी आप वरीयता क्रम में ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। उत्तर कुंजी पर विवाद पर बार बार स्टे की मांग हो रही थी, और इसमें जो है 1 दिन का समय मिला था गवर्नमेंट को, एक 60 एफिडेविट काउंटर एफिडेविट दे करके इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसमें कुल 4 प्रश्नों पर आपत्ति है, जिसमें आपका एक नाथ संप्रदाय वाला, एक परिभाषा वाला, 2 प्रश्न और भी हैं इसी तरह के। आज दोस्तों लगातार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से बहुत ज़ोरदार बहस चल रही है भर्ती पर स्टे को लेकर के, और सरकार ने ऑलरेडी कैविएट दाखिल कर लिया है। तो दोस्तों, ये भर्ती पर स्टे बहुत मतलब असंभव चीज़ है, ये स्टे नहीं लगने वाला है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई रास्ता बीच का जरूर निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सरकार को, बेसिक शिक्षा परिषद को। और अगर ये 60-65 वाला अगर क्राइटेरिया अगर सही पाया जाता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो शिक्षा मित्रों का पद जो है सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, उसकी अपडेट आप लोगों को बिल्कुल आपको मिलती रहेगी। अभी कुछ उसका फाइनल डेटा नहीं मिला है, जैसे ही कोई फाइनल डेटा मिलता तो मैं आप सभी को अपडेट करा दूंगा। देखिए दोस्तों, जो काउंसलिंग के टाइम पे ये दिक्कत होगी, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जो जिला आवंटित होगा वहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देख रहे होंगे आपकी अंतर जनपदीय यात्रा के लिए पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईडी कार्ड में और ऑप्शन न मिलने की वजह से, और मोबाइल नंबर संशोधन में ऑप्शन न मिलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आईडी कार्ड में जो 3 ऑप्शन है, उसमें आप सभी लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भर सकते हैं। जिस दिन आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें, उसके पहले की तिथि का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कभी का होना चाहिए, और इसमें आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको ऑप्शन टिक करना है, और जो निवास का जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है उसी को आपको भरना रहेगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको बाद में बनवाने हैं, मेडिकल आपको बाद में बनवाना है, ये आपको जब जिला आवंटित हो जाएगा तो आप वहीं से बनवा सकते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसी तरह का प्रारूप होता है या फिर आपके वहाँ का उपप्रारूप आपको मिल जाएगा, किसी भी 2 राजपत्रित अधिकारियों से आप लोग करवा सकते हैं जो कि आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। एक न्यूज़ और भी है दोस्तों, जो गरीब सवर्ण अभ्यर्थी हैं 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस भर्ती में 10% EWS का कोटा में आरक्षण देने का फैसला लिया था, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस चीज़ की मांग हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जनरल और OBC की कट ऑफ और ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि फिर 10% सीटें जो जनरल कैटेगरी में हैं वो निकल जाएंगी, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। ये ज़िले जो आपके हैं आपके पास दोस्तों, ये आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से, जो इसमें 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 2000 से अधिक रिक्त पद हैं, और 24 कुल ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 1000 से अधिक रिक्त पद हैं। यही ज़िले सभी लोगों की प्राथमिकता में होंगे, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जो भी सेफ गुणांक के अच्छे गुणांक वाले हैं, तो आप लोग अपना गृह जनपद का चयन जरूर करें वरीयता क्रम में ऊपर की तरफ। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से, जो कल का डेटा मैंने दिया था आप सभी को सेफ गुणांक का, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होना है, आप लोग इसे देख लीजिए एक बार केवल। इसमें दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी आपकी है 69,000, और टोटल जो 5 अभ्यर्थी हुए हैं 146,060 अभ्यर्थी, इसमें से अधिकांश लोगों के साथ यही संभावना है कि सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कराना चाहेंगे। जो 68,500 वाले हैं वे चाहेंगे कि हमें गृह जनपद मिल जाए, तो इस चक्कर में वे लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, और उन्हें समस्या हो सकती है NOC को लेकर के, क्योंकि जो उन्हें पहले NOC मिली थी वो एग्ज़ाम देने को लेकर के मिला था, जब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रनिंग में थी, लेकिन अभी जो है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है काउंसलिंग के टाइम पे,
और जो अदर लोग हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता चल पाया है कि अर्हता तिथि कब से देखी जाएगी, जबकि ये साफ साफ बता दिया गया है संशोधित दिशा निर्देशों की गाइडलाइंस में कि जो आपकी आखिरी तिथि होगी फॉर्म भरने की उसी तिथि तक आपके पास अर्हता होना चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जिसमें कि आप सही से आपने अंक भरा हो। तो इस तरह से जो टोटल बाहर होने वाले अभ्यर्थी हैं लगभग 40-42 हज़ार अभ्यर्थी, आप देख लीजिए दोस्तों इसमें जो एससी की सीट है पहले 24,308, इसमें जो 1110 पद हैं एसटी के, क्योंकि 270 ही पास हुए हैं, तो ये जो बाकी जो शेष सीटें बचेंगी 1110, ये सीटें आपकी ऐड हो जाएंगी एससी कैटेगरी में। पूरी संभावना है एससी की सीटें ये मिल जाती हैं। तो इससे क्या होगा, फिर एससी के जो एमआरसी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स अभ्यर्थी होंगे, अगर वो अपने यूआर की कैटेगरी में सीट नहीं पाते हैं तो फिर अपने कैटेगरी में उनको फाइट कराया जाएगा। तो इससे यूआर की सीट भी सेफ होगी और जो एससी के कैंडिडेट्स हैं जो पहले लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास बाहर हो रहे थे, अब ये लगभग 3,500 के आसपास बाहर होंगे ऐसे अभ्यर्थी जिनके गुणांक कम होंगे। तो पहले एससी के लिए मैंने आप सभी को बताया था सेफ कट ऑफ जो है 62+। अब ये दोस्तों आपका 61+20 वाले सेफ हैं, अगर ये 1110 पद ऐड हो जाते हैं तो 61+ वाले भी ऐड हैं और 59 से लेकर के 61 तक ये सभी लोग सेफ हो सकते हैं, सभी का चयन हो सकता है। बाकी जो 59 से कम वाले हैं, 58 वाले हैं, 57 वाले हैं, इन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी 55-54 में अगर जो लोग हैं तो फिर उन्हें फ्रीडम फाइटर में भी दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से ओबीसी की कैटेगरी में जो मैंने कल कट ऑफ ऑलरेडी बता रखी है आप सभी को 64 से लेकर के 66 और 66+ वाले पूरी तरह से सेफ, तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा कुछ पॉइंट में, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ओबीसी के अभ्यर्थियों को 100 से 200 अतिरिक्त ओबीसी के कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिल सकता है ओवरलैपिंग के दौरान, क्योंकि दोस्तों एससी के कैंडिडेट्स जब कम आएंगे यूआर की सीट में तो ओबीसी के कुछ कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है यूआर की उन सीटों पर मेरिट में। इसी तरह से यूआर के लिए मैंने बताया था आप सभी को कि 66 से लेकर के 68, ये गुणांक ये कट ऑफ आपका जो है 65 भी हो सकता है 68 तक। बाकी 68+ वाले जो हैं सभी लोग पूरी तरह से सेफ हैं, बाकी 65 वाला भी सेफ हो सकते हैं अनारक्षित वर्ग में। बाकी दोस्तों जो अदर कैटेगरी वाले हैं शिक्षा मित्र हैं, ये सभी लोग सेफ हैं पूरी तरह से और इन्हें अपना गृह चयन पद मिल सकता है। तो यही कुछ डेटा था दोस्तों, और पूरी पूरी संभावना है, आप लोग जो भी एससी या अदर लोग भी हैं आप लोग ज़रूर मांग करिए क्योंकि सभी का भला इसमें होना है। बाकी जो 22,000 पद हैं 68,500 वाले उनको भी आप ऐड करने की मांग करते रहिए। आप सभी के साथ अच्छा हो, आप सभी का चयन हो, आप सभी को अपने गृह जनपद या आसपास के जनपद मिल जाए, तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।